जय हिंद साथी, मेरा नाम है देवेश भारतवासी और आप जुड़ चुके हैं जनता फोरम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक गांव निकल रहे थे हम लोग और रास्ते में एक सुस्ताने का जगह मिला तो हमने सोचा कि क्यों ना बैठा जाए और आपको कोई कविता सुनाई जाए। आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि हर एक चुटपुटी आदमी जो मोबाइल चला रहा है और यूट्यूब चला रहा है वो खुद को अपने आप को कवि घोषित कर दे रहा है। उस समय में नीलोत्पल मृणाल की एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐ कवि कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो। कविता के भूमिका के तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में जो कुछ भी घट रहा है उस पर कविताएँ लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि प्यार मोहब्बत पर लिखना आसान होता है लेकिन सच्चाई पर लिखना बड़ा कठिन होता है। अपने परिचय में दो पंक्तियां सुना करके आज की कविता शुरू करूंगा कि मेरा कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ हो जाता है, मेरा कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ हो जाता है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। एक कविता नीलोत्पल मृणाल का। खूबसूरत सा मौसम है, हल्की धूप है, या यूं कहें तो गुलाबी धूप है, छांव है और हम बैठे हुए एक मचान के नीचे। कि ए कवि कविता नहीं तुम अपने समय की चिंता लिखो, अरे ए कवि कविता नहीं तुम अपने समय की चिंता लिखो। सब लिखते हैं गहरा समंदर, सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। ए कवि कविता नहीं तुम अपने समय की चिंता लिखो। आँख में शोला जला नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। आँख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। सब लिखते हैं मीठा पानी, सब लिखते हैं मीठा पानी, तुम रोती बिलखती गंगा लिखो। ए कवि कविता नहीं तुम अपने समय की चिंता लिखो, तुम अपने समय की चिंता लिखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। जनता फोरम आपके बीच अगले 10 एपिसोड में जमीनी हकीकत दिखाने वाला है। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि हम जनता फोरम की सारी टीम गांव-गांव निकलेंगे और गांव के शिक्षा प्रणाली को, गांव के प्राथमिक विद्यालयों की सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका प्यार, आपका मोहब्बत हम पर बना रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि जब हम गांव जाएं और स्कूलों को दिखाएं तो इन स्कूलों में क्या जोड़ें, क्या बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।